Hello students, myself Anurag, Pareek. I have been teaching chemistry for last 20 years for NEET, AIMS and other engineering entrance examinations. Aaj to ek NEET hi reh gaya medical mein to sirf, to hame लगता है कि नीट अब जैसे जैसे क्लोज आता जा रहा है, आई होप आपकी स्टडी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक सर्वे में हमने देखा है कि 71% स्टूडेंट जो है आज भी क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी से ही वो प्रिपेयर करते हैं। लेकिन वो लैग कहाँ करते हैं? बेसिकली वो लैग करते हैं वहाँ पर जहाँ पर रिविजन स्ट्रेटेजी आती है, लास्ट में जब आते, जब उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है और किसको किस तरह से रिवाइज करना है, तब वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आज एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं हम आपके सामने जो आपको पूरी रिविजन स्ट्रेटेजी समझाएगा और उसमें आपको 45 डेज में पूरे सिलेबस को आपको 3 बार रिवाइज करना हम बताएंगे, जो मेन टॉपिक हैं जिनसे मेन क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा देखिए बेटा, इनमें क्या होता है, एक स्पेसिफाइड सिलेक्शन करना पड़ता है टॉपिक का, इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को छांटने होते हैं जो हमारी एक्सपर्ट टीम ने और मैंने मिलके बनाए हैं आपके लिए, उनमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे। तो हम 20% एफर्ट डालकर 80% से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उसको देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और बस इसमें आपको उस रिविजन स्ट्रेटेजी को जिस तरह से हम समझाते हैं उस तरह से आपको पूरा काम करना है, क्योंकि रिविजन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है कि कौन से टॉपिक हैं जिनमें से हमें ज़्यादा वेटेज देना है, ताकि उनमें से जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। और हमने देखा है कि एक टॉपर से टॉपर बच्चा भी होता है, वो क्या करता है, 20% टाइम तो लर्निंग में देता है, बाकी 80% टाइम वो रिविजन और क्वेश्चन सॉल्विंग में देता है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितना ज़्यादा हम टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ये तो एक कॉमन है, जैसे हम कोई भी, आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल को घर पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक पेपर उठाइए आप, कोई भी जो प्रीवियस पेपर हुआ है उसमें जो 10 न्यूमेरिकल्स आए थे जो मुश्किल लग रहे थे आपको, उन्हें आप क्या करिए, 2 से 3 बार कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब वो क्वेश्चन जब भी कभी भी आएंगे तो आपको कभी भी उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से उनको क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। तो यही देखना होता है। तो रिविजन स्ट्रेटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये देखना है। ठीक है, जो 71% स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आज भी, ये सर्वे में आया है, उसके बाद जो 29% और बच जाते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग कहीं से ले रहे होते हैं, तो उनको भी बेनिफिट होगा इस वीडियो से और आपको भी बहुत बेनिफिट होगा और आप पूरे सिलेबस को समराइज कर पाएंगे। तो हम बताएंगे आपको 45 डेज में किस तरह से हम 3 बार इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए बच्चे, हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है 15 जून से, मोस्ट वांटेड सीरीज। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा स्पेशल टीचर जो आपके लिए है और वो आपको पूरा सिस्टम बताएंगे कि कौन से टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए हम वीडियो डेली डालेंगे उसमें। तो इस जो रिविजन स्ट्रेटेजी का जो हमने नाम दिया है उसका नाम है I-11। आई का मतलब है इमीडिएट रिविजन। जैसे आज आपने वीडियो देखा तो रात को जब सो रहे हैं तो जो तीनों सब्जेक्ट का जो वीडियो देखा हमने, उन टॉपिक को हम पूरा रिवाइज करके ही सोएंगे, ये तो होता है इमीडिएट रिविजन। ठीक है, सेकेंड जो आता है वन, आई के बाद वन, वन दो है ना, तो वन का मतलब है 1 वीक रिविजन। जैसे उसमें क्या होगा, जैसे हमारा वीकेंड आता है तो वीकेंड पे हम एक ऑफ देंगे आपको, जैसे मंडे टू सैटरडे लगातार आपको वीडियो मिलेंगे, उनको डेली पढ़ रहे हैं आप, डेली रिविजन कर रहे हैं, लेकिन आपका एक डे ऑफ रहेगा उसमें। एक डे जब ऑफ रहेगा तो उसमें आप क्या करेंगे, उन 6 डेज के वीडियोस को आप वापस रिवाइज करेंगे। वापस रिवाइज करने से हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंग वो सिलेबस 2 बार रिवाइज हो गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड वन का मतलब है 1 मंथ रिविजन। तो 1 मंथ के बाद रिविजन, जैसे ही 1 मंथ हो जाएगा तो मंथ एंड में हम 2 से 3 ऑफ देंगे आपको, जिसमें कोई वीडियो नहीं डाले जाएंगे। अब आपके पास प्रीवियस वीडियोज रिकॉर्डेड हैं तो वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप उनको वापस से 2 से 3 दिन का जो गैप है उसमें सारे वीडियोज आप क्या कर पाएंगे, वापस से देख पाएंगे और उनको रिवाइज करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसी तरह आगे वीडियो आते रहेंगे और उन वीडियोज को आप कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो हमारा 45 डेज में 3 बार जो रिविजन हो गया है, और ये हमारा काम है कि उनमें हमें आपको ये बताना कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नीट में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमने पूरा स्टडी करके, पेपर एनालिसिस करके ये बताया हुआ है, ये निकाला है हमने कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें से पूरा आपको अच्छे से वीडियो मिलते जाएंगे। आप इन वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए
और नीट 2020 को हम बहुत अच्छे से हिट करेंगे और सक्सेस होकर एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।